Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates. आज एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। गूगल ने भारत में बेहद लोकप्रिय वीडियो ऐप टिकटॉक को ब्लॉक कर दिया है, यानी अब गूगल के प्ले स्टोर पर टिकटॉक वीडियो को डाउनलोड नहीं किया जा सकता। मद्रास हाई कोर्ट ने 3 अप्रैल को केंद्र सरकार से टिकटॉक पर बैन लगाने को कहा था। इसके बाद भारत सरकार ने इस पर बैन लगा दिया और कोर्ट ने यह कहा था कि यह ऐप एक पोर्नोग्राफी को बढ़ावा दे रहा है और बच्चों को यौन हिस्सा बना रहा है। बता दें कि टिकटॉक पर अश्लील सामग्री परोसने का आरोप है। एक न्यूज ऐप के सर्वेक्षण के अनुसार देश के 80% युवा ने विवादित चीनी ऐप टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में वोट किया था। लोगों का मानना है कि इससे अश्लीलता बढ़ रही है। कंपनी के अधिकारियों ने न्यूज एजेंसी IANS को बताया कि उन्होंने सूचना प्रसारण नियम 2011 का पूरी तरीके से पालन किया है। कुछ बड़े शहरों में किए गए सर्वेक्षण में 18 से 35 वर्ग के आयु के लोगों ने करीब 30,000 लोगों से पूछा गया कि क्या वे चाहते हैं कि भारत में टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाया जाए। इसके जवाब में 80% लोगों का कहना था हाँ और 20% लोगों ने कहा ना। बता दें कि भारत में टिकटॉक ऐप अभी भी एप्पल के प्लेटफॉर्म पर मंगलवार देर रात तक उपलब्ध था, लेकिन गूगल के प्ले स्टोर पर उपलब्ध नहीं था। गूगल ने एक बयान में कहा कि यह एक ऐप पर टिप्पणी नहीं करता है, लेकिन स्थानीय कानून का पालन करता है। टिकटॉक यूजर्स को स्पेशल इफेक्ट के साथ वीडियो बनाने और शेयर करने की अनुमति देता है। यह भारत में काफी पॉपुलर हो गया है, मगर कुछ राजनेता ने इस ऐप की आलोचना की है और उसका कहना है कि इनका कंटेंट अनुचित होता है। फरवरी में एक रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में अब तक 240 मिलियन लोगों द्वारा यह ऐप डाउनलोड किया जा चुका है।